हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पे कोई न्यू वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो फाइनली आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेंगे। यहाँ पर स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो एक विंडो ओपन होकर के आती है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे फ़िलहाल, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम, पैकेज नेम, लोकेशन, लैंग्वेज और मिनिमम SDK, API 21 और 5 लॉलीपॉप, तो इसको यहाँ पर तो यही रहने देंगे फ़िलहाल। आ जाते हैं यहाँ नेम पर, तो एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे। आज हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम बनाएंगे एक लॉगिन पेज, ठीक है। तो उसके लिए लॉगिन UI दे देते हैं नाम इसका। पैकेज का नेम अगर आप यूनिक रखते हैं तो अच्छी बात है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेट होकर के पैकेज नेम यहाँ पर आ जाता है। ये लोकेशन है हमारा, इस लोकेशन पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो सेव होगा। और ये जो जावा है, इस जावा लैंग्वेज में हम बनाएंगे अपना ऐप जो है। कोटलिन का ऑप्शन भी आता है और यहाँ पर जावा का ऑप्शन आता है, तो जावा पर बनाएंगे, फिनिश करेंगे इसको। अभी क्या होगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए लोडिंग प्रोजेक्ट, तो इसमें थोड़ा सा कुछ वक्त लग सकता है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है सक्सेसफुली, तो चलते हैं हमारे लेआउट फाइल पे। लेआउट फाइल को ओपन करते हैं। ये हमारी लेआउट फाइल है, यहाँ से हम इस टेक्स्ट को सबसे पहले हटा लेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक लीनियर लेआउट चाहिए जिसके अंदर हम एक इमेज बैकग्राउंड में लगाएंगे, जो कि लोगो या फिर एक बैकग्राउंड इमेज होगा यहाँ पर। और यहाँ पर दो एडिट टेक्स्ट होंगे जिसमें हम ईमेल और पासवर्ड लेंगे, और उसके नीचे यहाँ पर एक बटन होगा, लॉगिन बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं जल्दी से सबसे पहले एक लीनियर लेआउट। एक मिनट, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, पावर सेविंग मोड को ऑफ कर देंगे, ठीक है। लिमिट लेआउट बनाते हैं, और इसकी विड्थ जो है मैच पैरेंट कर देंगे, और हाइट जो है 350 dp या 340 dp कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 350 dp कर देता हूँ। इसकी ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल कर देंगे, और इसमें एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड के लिए हमें ड्राइवल पे एक इमेज जो है डालना होगा, तो हमने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं उसको, और राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट, ये इमेज आ गई है यहाँ पे। तो इमेज को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ड्राइवल के इस नेम से है हमारा इमेज। तो अभी इसको क्लोज कर देंगे। एक ये देखिए यहाँ पर इमेज आ चुका है। यहाँ पर क्या करते हैं कि बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, एक और लीनियर लेआउट बना देंगे यहाँ पर इसके नीचे, लीनियर लेआउट, इसकी विड्थ जो है मैच पैरेंट, हाइट जो है हम कर देंगे इसकी 350 dp, यहाँ पर भी ओरिएंटेशन वर्टिकल, और ठीक है। तो इसको यहाँ पर
अब चलेंगे डिज़ाइन टैब पे। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद टॉप से इसको कंस्ट्रेंट करेंगे। टॉप से कंस्ट्रेंट करना था, कहाँ गया हमारा, हाँ ये यहाँ पर है। इस वाले नीचे वाले जो ये जो लीनियर लेआउट है इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, और टॉप से इसको कंस्ट्रेंट कर लेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑफ ये कंस्ट्रेंट हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है इस लीनियर लेआउट के अंदर हम क्या कर बनाने वाले हैं, दो एडिट टेक्स्ट। सबसे पहले एडिट टेक्स्ट बनाते हैं, इसकी विड्थ जो है 340 dpi कर लेंगे, 340 dpi, और हाइट जो है रैप कंटेंट। और यहाँ पर क्या करेंगे कि हिंट दे देंगे इसका ईमेल, ईमेल के बाद लेआउट ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी में हम सेंटर कर देते हैं। अभी पैडिंग दे देंगे इसका 8 dpi। इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से। ठीक है, मार्जिन टॉप कर देंगे इसका 20 dpi। 20 dpi हो गया। इसमें टेक्स्ट कलर भी ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट कलर हमारा ब्लैक कलर कर देते हैं, और टेक्स्ट हिंट कलर भी कर देंगे ऐड। ये हमारा हो जाएगा 433D3D। ये कलर कोड है, हेक्साडेसिमल कलर कोड, तो ये यहाँ से चेंज भी हो सकता है। यहाँ से क्लिक करेंगे आप तो इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। तो अभी इसको करते हैं क्लोज। एक चीज़ में और रह गई है हमारी, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे कि ड्राइवल से, ड्राइवल में एक रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ न्यू पर जाएंगे, रिसोर्स पर क्लिक करेंगे, ड्राइवल रिसोर्स न्यू। तो यहाँ पर दे देते हैं एडिट टेक्स्ट बीजी। ठीक है, एडिट टेक्स्ट बीजी, ओके। यहाँ पर सेलेक्टर हो चुका है, तो क्या करेंगे इस यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। सेव के बाद जो सॉलिड एंड्रॉयड कलर, कलर हमारा जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कलर के लिए हम क्या करेंगे, कलर के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं वैल्यूज़ में कलर। और एक और यहाँ पर हमने बनाया हुआ है कलर, और कलर टेक्स्ट बीजी नेम जिसको मैंने और लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने इसका कोड ये डाला हुआ है कलर का। तो चलते हैं हमारे एडिट टेक्स्ट बीजी XML पे। यहाँ पर हम कर देंगे कलर, कलर टेक्स्ट बीजी, इसको क्लोज। और इसके बाद कॉर्नर्स रेडियस 200 dpi, क्लोज। ये हमारा बन चुका है, डन हो चुका है। चलते हैं इसको अब बैकग्राउंड पर लगा देते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में ड्रॉएबल जो हमने एडिट टेक्स्ट बीजी नेम से बनाया था उसको यहाँ पर लगा देते हैं। और एक चीज़ और रह गया है यहाँ पर, हमारा जो हिंट है वो नहीं शो कर रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से फोर्स रिफ्रेश लेआउट करेंगे। अभी भी शो नहीं कर रहा है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हिंट कलर क्या दिया हुआ हमने, हिंट कलर ये है हमारा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है शायद, हाँ यहाँ से प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर हिंट कलर हमारा हो जाएगा, अभी शो कर रहा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये पूरा कोड एक बार फिर यहाँ से नीचे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हिंट की जगह पर पासवर्ड
पासवर्ड हो गया यहाँ पे। अभी चलते हैं, एक बटन बना लेते हैं नीचे, इसके बटन, इसकी हाइट जो है, सॉरी विड्थ 180 dp, रैप कंटेंट इसकी हाइट, और इसमें और क्या क्या करना हुआ होगा मैं अभी देख बताता हूँ आपको। इसकी आईडी, तो पहले तो आईडी सेट कर लेते हैं, लॉगिन बटन और टेक्स्ट इसका कर लेंगे लॉगिन, मार्जिन दे देंगे इसको टॉप से 50 dp, ग्रेविटी सेट कर लेंगे इसका लेआउट ग्रेविटी सेंटर, और टेक्स्ट स्टाइल कर देंगे बोल्ड, टेक्स्ट कलर भी ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर हमारा ब्लैक कर देते हैं इसको, ब्लैक कलर। अभी बैकग्राउंड रह गया है, तो बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे कि बैकग्राउंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर बैकग्राउंड एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का, बट तो बैकग्राउंड के लिए तो यहाँ पर हम एक यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा करके यहाँ पर बैकग्राउंड दे सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइवर पर जाएंगे, न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल, यहाँ पर कर देंगे सेव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बटन बीजी और वही प्रोसेस सॉलिड एंड्रॉयड कलर एक्सेंट, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ नीचे यहाँ पर कॉर्नर्स रेडियस हमारा हो जाएगा 100 dp, ये कंप्लीट हो चुका है, ये लुक है इसका। तो इसको लगा लेते हैं अपने बटन पर, बैकग्राउंड में बटन बीजी ये आ चुका है, ये देखिए अभी हमारा ये हो चुका है कंप्लीट डिज़ाइन पार्ट। चलते हैं अब अपने जावा कोड पर। सबसे पहले तो हम एडिट टेक्स्ट का 2 वेरिएबल बनाएंगे, एडिट टेक्स्ट के लिए ईमेल और पासवर्ड वेरिएबल बना लेते हैं, और सेकंड हमारा बटन है जो कि लॉगिन बटन है। इसके बाद ईमेल फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट ईमेल, ईमेल का तो आईडी हमने दिया है ही नहीं है, अभी आईडी दे लेते हैं इसके, आईडी ईमेल पासवर्ड का आईडी सेट कर लेते हैं, पासवर्ड ठीक है, पास नेम से मैंने सेट कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल पासवर्ड फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट पास, इसके बाद बटन है हमारा लॉगिन बटन, लॉगिन फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट लॉगिन, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि हमारा जो लॉगिन बटन है, सॉरी ये क्या आ गया, लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो अभी यहाँ पर हम एक इंटेंट बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर यूज़र ईमेल और पासवर्ड एंटर ना किया हुआ है और वो बटन पर क्लिक करता है लॉगिन बटन पर, तो उसको एक मैसेज शो हो, एरर मैसेज,
जिसमें लिखा हो कि ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, तभी वो लॉगिन कर सकता है। ईमेल पासवर्ड के बिना लॉगिन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, इफ़, और यहाँ पर ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी होता है, और पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, हमारा एक टूस्ट मैसेज यूजर को शो होगा जिसमें हमने लिखा हुआ है ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है ये। और इसको कर देंगे लेंथ लॉन्ग, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर का ये ब्लॉक जो है रन करेगा। इल्स एक लगा देते हैं यहाँ पर, इल्स क्या होगा कि एक इंटेंट यहाँ पर बना देंगे, इंटेंट इंटेंट कॉल न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अभी हमें एक और एक्टिविटी बनाना होगा, क्रिएट करना होगा ताकि यूज़र लॉगिन करे तो नेक्स्ट एक्टिविटी पर वो ट्रांसफ़र हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जावा फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, यहाँ पर इसका नेम दे देते हैं वेलकम एक्टिविटी, और इसको कर देते हैं फिनिश। ये फाइल जो है बननी शुरू हो गई है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा ये वेलकम एक्टिविटी जो है रेडी हो चुका है। चलते हैं डिज़ाइन टैब पर, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, एक लीनियर लेआउट है जिसमें मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है, और नीचे हमारा एक और लीनियर लेआउट है जिसमें एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें वेलकम लिखा हुआ है, बाकी और कुछ तो नहीं है इसमें, इसके जावा कोड में कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी पर, यहाँ पर क्या करेंगे, वेलकम एक्टिविटी डॉट क्लास, इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी जिसमें इंटेंट पास कर देंगे यहाँ पर इंटेंट, और इसके बाद फिनिश कर देंगे इसको फिनिश। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है हमारा कोड, जो भी छूट गया है वो मैं अभी बाद में कवर कर लेंगे उसको। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं, रन करने से पहले कुछ देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रन मैंने किया इसको, यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड रनिंग, थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसमें, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ऐप हमारा हो चुका है लॉन्च, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा ऐप जो है लॉन्च हो चुका है। इसमें एक चीज़ हमने यहाँ पर, ये लॉगिन यूआई का जो एक्शन बार में आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ में, स्टाइल में, यहाँ पर डार्क एक्शन बार की जगह हम नो एक्शन बार कर देंगे, नो एक्शन बार। अब इसको दोबारा से रन करेंगे तो वो चला जाएगा यहाँ से, ये ऊपर का।
तो दोबारा से हमारा ऐप जो है लॉन्च हो चुका है, देखते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर ईमेल पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो बिना ईमेल पासवर्ड के लॉगिन करते हैं। एक एरर मैसेज आया, ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड, ईमेल यहाँ पर डाल। ठीक है, मैंने रैंडमली पासवर्ड डाल दिया है, कुछ भी। लॉगिन करते हैं, ये देखिए लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली, वेलकम। तो यही था इस वीडियो में। इसका कोड मैं आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के कोड को देख सकते हैं। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।